खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वोट के लिए कांग्रेस आज खोल रही है वादों का पिटारा। मोदी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का क्या है प्लान? मैं आपको यहाँ वायदा कर रहा हूँ, न्याय होगा। 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। कर्ज माफी और रोजगार के लिए क्या करेगी कांग्रेस? वादों से मिलेगा विजय पथ। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो पहुंचेंगे और घोषणा पत्र जारी करेंगे, और इससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद कांग्रेस में महासचिव बनी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, वो भी पहुंच चुकी है कांग्रेस दफ्तर में। ये दो तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी का इंतजार, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, इंतजार सिर्फ राहुल गांधी का। किसी भी पल राहुल गांधी पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादों का पिटारा खोला जाएगा। वादों से मिलेगा विजय पथ, ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कवरेज। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम में, मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी भी हमारे साथ है। सुमित, शुक्रिया रुमाना। ये वादों से मिलेगा क्या विजय पथ? राहुल गांधी की इस वादों के पिटारे से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में लौटेगी क्या, इस पर बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था ब्रेक के पहले, 2019 के चुनावों में 19 बड़े वादे कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्योंकि हमको सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। और लगातार आपके सामने स्क्रीन पर वो वादे आते जा रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा, और हमारे जो सहयोगी वहां मौजूद है वो ये बता रहे हैं कि घोषणा पत्र की जो जानकारी है उसके कुछ हाई पॉइंट्स हमको पता लगे हैं हमारे सहयोगियों के जरिए, जो इस वक्त 24 अकबर रोड पे हैं। 19 का कांग्रेस घोषणा पत्र है, तो 19 बड़े वादे कांग्रेस पार्टी कर सकती है। 19 को 19 से जोड़ा है। जीएसटी की दर 12% तक करने का वादा है, एक ही स्लैब होगा, फ्लैट 12% कांग्रेस पार्टी जो कह रही है। दूसरी बड़ी बात कह रही है कि 6 महीने में सरकारी नौकरी खाली पदों से भर देगी, यानी कि अभी तक 1 साल की बात हो रही थी, अब 6 महीने की बात कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और बड़ा नया वादा, पहले ये 22 लाख नौकरियों को 1 साल में करने की बात थी, लेकिन अब उसको 6 महीने तक करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। बहुत बड़ी जानकारी है, और ये उन तमाम लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि कांग्रेस पार्टी ये वादा कर सकती है। मेरे सहयोगी जैनेन्द्र और आदेश रावल मौजूद है इस वक्त 24 अकबर रोड पर। आदेश की खबर है, जैनेन्द्र क्या है और क्या क्या जानकारी, 19 बड़े वादे क्या क्या है? सुमित जी, सीधा आदेश रावल के पास लिए चलते हैं, जो 2019 के लिए कांग्रेस के 19 मंत्र हैं उसकी लिस्ट इनके साथ है। आदेश बताइए कौन कौन से। देखिए, 2019 के मैनिफेस्टो में 19 पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली फोकस किया गया, जिसमें पहला पॉइंट है न्याय। न्याय के जरिए कांग्रेस 25 करोड़ वोटर को टारगेट करना चाहती है। दूसरा, छोटे उद्योगों को कैसे टैक्स में राहत देनी है और उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन मिल सके। इसके अलावा 6 महीने के अंदर जितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली है उन सबको भरने का टारगेट इसमें रखा गया है। जीएसटी की सिर्फ 12% की एक स्लैब कांग्रेस पार्टी चाहती है, लेकिन चिदम्बरम ने उसमें एडवाइस दिया है कि 12% पे स्लैब पे एक से बात नहीं बनेगी, हमें एक स्लैब और करना पड़ेगा, यानी 18% तक जा सकता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट हम यहाँ से होगा हिंदुस्तान से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाने वाली है। दूसरा, जो जीएसटी का रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसको पंचायत तक पहुंचाना कांग्रेस की कोशिश है कि हम पंचायत तक वो पैसा पहुंचे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी का ट्वीट था कि कैसे ग्राम सभा में हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। ये उसी का कि जीएसटी का जो रेवेन्यू पंचायत में जाएगा उसके बाद उससे वहां रोजगार पैदा होगा। तो ये भी एक मैनिफेस्टो में इनका मेन पॉइंट होने वाला है, जो अब से कुछ देर बाद आएगा। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर बात हुई है, और उसमें कैसे उन लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाई जाए उसको लेकर बात हुई है। और हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है उसके रिव्यू की बात कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में करने वाली है कि अगर वो सही नहीं है, कि कुछ लोगों को उसमें दिक्कत है, तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कैसे डेवलपमेंट हो सके, कैसे वो लोग मुख्य धारा का हिस्सा बन सके, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस बार कांग्रेस पार्टी अब से कुछ देर बाद मैनिफेस्टो में लाने वाली है, 2019 के कांग्रेस के 19 मंत्र।
तो ये है 2019 के लिए कांग्रेस के 19 मंत्र, सबसे बड़ा वादा न्याय का, और इसके अलावा जो अहम बातें हैं वो आदेश रावल ने आपको बताई। और सुमित जी, अब से थोड़ी देर बाद इंतजार है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का, वो यहाँ पर आएंगे और कार्यक्रम जो है यहाँ पर घोषणा पत्र जारी करने का वो शुरू होगा। जी के ये 19 बड़ी बात तो समझ में आई जैनेन्द्र, लेकिन ये चीज बताइए कि देरी क्यों हो रही है? 11:45 का स्पेसिफिक टाइम दिया गया, कांग्रेस पार्टी अमूमन 12:01 या 12:02 की बात करती है, 11:45 का टाइम दिया गया, 12:15 बजने वाला है, किस बात की देरी है? क्यों राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां नहीं पहुंचे अभी तक? सुमित जी, आप भी कांग्रेस कवर करते रहे हैं, हम ये दावे से नहीं कह सकते कि वो क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि निकलने वाले होंगे या रास्ते में होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी का घर तो बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बगल में है, मनमोहन सिंह भी बगल में ही कुछ दूरी पर रहते हैं, राहुल गांधी को आने में 5 मिनट का वक्त लगता है, प्रियंका गांधी आ चुकी है, इसलिए पूरी संभावना है कि अगले 5 मिनट के अंदर ये सब लोग जो है, बल्कि ज्यादा संभावना है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ आए, तो बस अब इंतजार है। रणदीप सुरजेवाला मंच पर पहुंच चुके हैं और वो घोषणा कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में राहुल गांधी सोनिया गांधी आदि नेता जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो सुमित जी इंतजार है और मुझे लगता है कि 12:15 से पहले इन चेहरों को यहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए और घोषणा पत्र कार्यक्रम भी जल्द शुरू हो जाएगा। जैनेन्द्र, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस बार मैनिफेस्टो का जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में सोनिया गांधी कहीं नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी है, एक ही तस्वीर है। जनरेशनल शिफ्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ये सबको अब मानना पड़ेगा, चाहे वो 70 साल का नेता। अच्छा, रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, सुरजेवाला कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सुरजेवाला, राहुल गांधी जी बहुत जल्द आपके बीच में होंगे, कार्यक्रम कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है, जो साथी पीछे खड़े हैं, मेरा उनसे सादर अनुरोध है कि अगर वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे तो कार्यक्रम का संचालन, ये एक ऐतिहासिक दिन है, इसका संचालन हम और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जो हमारे सेवा दल के वॉलंटियर साथी हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि प्रेस दीर्घा में कुछ और कुर्सियों की आवश्यकता है, उसका इंतजाम कृपया कर दीजिए, ताकि जो साथी अभी खड़े हैं वो भी अपना अपने स्थान पर। ये बेसिकली इंतजाम किए जा रहे हैं और वो इंतजाम करने की कोशिश में रणदीप सुरजेवाला लगे हुए हैं, कुर्सियां कम पड़ गई हैं, पत्रकार ज्यादा हैं, जैसा कि उनकी बातों से मुझे यहां से खड़े होकर समझ में आ रहा है स्टूडियो से। जैनेन्द्र, मैं फिर आपके पास लौट रहा हूं, जनरेशनल शिफ्ट को ये मैसेज है कि 18 साल से लेकर 80 साल तक का जो नेता है, सबको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को भी नेता मानना है, कोई पार्टी के अंदर अब दो लीडरशिप की बात नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सुमित जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि पिछली बार अगर 2014 की बात करें तो उस वक्त राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो जाहिर सी बात है जो तस्वीरें होती थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जो अध्यक्ष थी और राहुल गांधी की हुआ करती थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है मनमोहन सिंह जो है वो सक्रिय नहीं है और उन्होंने खुद ही कह दिया इस बार वक्त ये चल रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी जरूर है एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन वो जो है वो पर्दे के पीछे अब ज्यादा अपनी भूमिका निभाती है, तो राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड चेहरा है और वो एक लौता चेहरा है कांग्रेस में, कांग्रेस अध्यक्ष, और उन्हीं की तस्वीर इस वजह से जो है वो कार्यक्रम में नजर आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, तमाम जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही चेहरा अब रहता है कांग्रेस का चुनाव निशान, और इसके अलावा चेहरा राहुल गांधी का। तो सुमित जी, उसी की कड़ी में आज का जो घोषणा पत्र का कार्यक्रम है उसमें भी राहुल गांधी की तस्वीर हमें नजर आ रही है, और राहुल ही चेहरा है कांग्रेस का, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अहम बात, हालांकि एक सवाल तो यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं ऐलान किया है कांग्रेस ने? जी सुमित, वो शायद कांग्रेस पार्टी के नेता निजी तौर पर बोलते रहते हैं, लेकिन अलायंस बनाने के चक्कर में वो अभी से चीजें खराब ना हो जाए जैनेन्द्र, इसलिए उस खेल को खराब नहीं करना चाहते कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके इस चुनावों में पार्टी उतरे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, दो बड़ी बातें इस 5 सालों में गांधी परिवार के तीनों सदस्य, प्रियंका गांधी को मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत बेल लेकर बाहर रहना पड़ा, क्या करप्शन से मुक्ति की बात की जाएगी इस मैनिफेस्टो में? और अगर की जाएगी, करप्शन से लड़ने की बात की जाएगी, तो इन तीनों केस को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे निपटेगी बीजेपी के हमलों से? देखिए, इन सवालों के जवाब में कांग्रेस नेता साफ तौर पर कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है
केंद्र सरकार के द्वारा, तो यही जवाब रहने वाला है और इस पर कांग्रेस जो है वो ट्रैप में नहीं फंसना चाहेगी, चाहे वो यंग इंडिया वाले मामले का सवाल हो जिसमें कि बेल पे है गांधी परिवार या फिर रॉबर्ट वाड्रा का सवाल हो, तो कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि वो इन सवालों के ट्रैप में ना फंसे और अगर जवाब देना बहुत मजबूरी हो जाएगी तो वो यही कह रहे हैं और यही कहेंगे, कह सकते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का फोकस जो है वो कोशिश ये होगी कांग्रेस की कि फोकस शिफ्ट हो मौजूदा सरकार की जो तथाकथित असफलताएं हैं उनके मुताबिक, उस पर खासतौर पर राफेल, विजय माल्या, जिस तरीके से बैंक फ्रॉड हुए, तो कांग्रेस चाहेगी कि फोकस जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो, मौजूदा सरकार के कामकाज की समीक्षा पर शिफ्ट हो, ना कि जो आरोप कांग्रेस नेतृत्व पर लग रहे हैं तमाम मुद्दों पर उस पर। जी सुमित, रुमाना आपको शायद पूछना चाह रही है। सुमित, आपने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बात की और हमने देखा किस तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से चौकीदार जिस तरीके के नारे लगवाए जाते हैं चोर है को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को रफेल से जोड़कर कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है और 19 के ये जो 19 मंत्र कांग्रेस आज लेकर आ रही है, जैनेन्द्र क्या माना जाए रफेल को लेकर, सत्ता में आने पर जांच की बात मुख्य तौर पर इस घोषणा पत्र में कही जाएगी, जैनेन्द्र? देखिए, ये बात घोषणा पत्र समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने कैमरे पर कहा है कि घोषणा पत्र में राफेल का जिक्र होगा और ये ऐलान होगा, ये वादा होगा बल्कि, कि सरकार बनने के बाद पहले ही दिन राफेल की जांच शुरू की जाएगी। लेकिन हमारी बात हुई है कांग्रेस के उच्च सूत्रों से, उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में राफेल का जिक्र नहीं होना चाहिए संभवतः, बल्कि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में चार्जशीट लेकर आएगी कांग्रेस, उसमें प्रमुखता से राफेल का जिक्र होगा और उसमें ये टाइमलाइन की बात होगी कि कब राफेल की जांच शुरू करवाएगी कांग्रेस। तो अभी इस पर पशोपेश की स्थिति बनी हुई, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी के एक सदस्य ने कहा है कि घोषणा पत्र में राफेल का जिक्र होगा, हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने से इनकार किया है। तो एक बार घोषणा पत्र हमारे हाथ में आ जाए तभी इस पर से पर्दा हट पाएगा कि क्या राफेल का जिक्र है या नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, घोषणा पत्र में जिक्र हो या ना हो, राफेल एक बड़ा चुनावी मुद्दा है कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी इस पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते हैं और उन्हें चोर बोलते हैं। चुनावी मुद्दा जो चुनावी रैलियों में बार बार गूंजेगा, ऐसे में सबसे बड़ा गेम चेंजर इस घोषणा पत्र के हिसाब से क्या हो सकता है जैनेन्द्र? न्याय? बिल्कुल रुमाना, और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आदेश रावल हमारे वरिष्ठ सहयोगी दें। आदेश, राफेल तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो निश्चित तौर पर न्याय स्कीम होने जा रहा है। गरीब परिवार 72,000। देखिए जैनेन्द्र, जहां तक करप्शन की बात है वो एक सेपरेट इश्यू कांग्रेस पार्टी ने बनाए रखा है, लेकिन न्याय, अगर न्याय से थोड़ा फोकस हटा, कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि इस मैसेज को वो गांव-गांव तक लेके जाए। कांग्रेस ने टारगेट किया है कि 25 करोड़ लोग हैं कि जो उसके नीचे हैं, लेकिन राफेल का जो इशू है उसको राहुल गांधी अपनी रैलीज के जरिए उठाते रहेंगे कि करप्शन में इन्वॉल्व प्रधानमंत्री हैं। लेकिन न्याय को प्राथमिकता इस मैनिफेस्टो में दी गई है, क्योंकि 72,000 रुपये सालाना एक बड़ी रकम है, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक चुनौती है। इस बात को लेकर कि जो 19 मंत्र बताए हैं मैनिफेस्टो के, उसमें सबसे ऊपर न्याय है और न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसीलिए 4 बड़ी कंपनीज को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी कैंपेन चले, वो गांव-गांव तक पहुंचे, वो शहरों तक पहुंचे, और उन कंपनीज को इसलिए चूज किया गया है। 5 तारीख को दिल्ली में ही और अलग अलग स्टेट्स के पीसीसी ऑफिसेज में एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस पार्टी लॉन्च करने जा रही है, जो कि न्याय के इर्द गिर्द ही होगा। यानी न्याय को सेंटर में रखते हुए ही 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। बिल्कुल रोमाना, तो घोषणा पत्र में भी सबसे अहम न्याय, और आने वाले 5 तारीख को जब कांग्रेस विधिवत अपना नारा और पोस्टर लेकर आएगी उसमें भी न्याय ही नजर आएगा, न्याय पर ही फोकस रहने वाला है इस बार कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का। और जाहिर सी बात है, मौजूदा सरकार को घेरने के लिए राफेल का मुद्दा तो उनके पास है ही। जैनेन्द्र, मैं फिर से न्याय की बात करूंगी, और न्याय की बात करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये जो सबसे बड़ा गेम चेंजर जिसे मानकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है इन 2019 लोकसभा चुनाव में, ऐसे में हम देखते हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी योजनाएं और योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा आंकड़ा जो सामने रख दिया जाता है 20 करोड़ के करीब का, और उसी के काट के तौर पर 25 करोड़ लोगों को टारगेट करने की न्याय के जरिए कांग्रेस की रणनीति। जैनेन्द्र? जी हाँ बिल्कुल, रकम जो है वो भारी भड़कम है, 72,000 सालाना बहुत बड़ी रकम होती है, और जो टारगेट वर्ग है 5 करोड़ गरीब परिवार, और ये फार्मूला है कि हर परिवार में तकरीबन 5 लोग होते हैं औसतन, तो 25 करोड़ लोग, उनमें से जाहिर सी बात है तकरीबन 15 से 17 करोड़ जो है वो वोटर भी होंगे, तो एक बड़ा वोटर वर्ग है। और इसी वोटर वर्ग को चूल्हा, गैस चूल्हा देने की बात, इसी वोटर वर्ग के खाते खुलवाने की बात बीजेपी करती है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम आपको न्यूनतम आय देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आप न्यूनतम 12,000 महीना
कमाए ही कमाए, और उसमें जो कमी होगी वो कांग्रेस देगी, 72,000 रुपए सालाना देगी। बहुत बड़ा वादा है, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो जाहिर सी बात है जैसा कांग्रेस कहती है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसको लेकर के तमाम सवाल है और उसके जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने हैं। कांग्रेस इस सवालों के जवाब में यही कहती है कि आने वाले दिनों में स्पष्ट किया जाएगा कि कैसे फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से ये योजना लागू की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां से पता लग रही है, लेकिन दर्शकों के लिए बता दूं आधे घंटे करीब की देरी हो चुकी है। 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी, घोषणा पत्र जारी होने का समय जो औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से बताया गया था, अब 12:15 करीब होने आ गए, लेकिन अभी इंतजार है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का। बाकी तमाम बड़े दिग्गज 24 अकबर रोड पर मौजूद है, जहां से कवरेज आप लगातार देख पा रहे हैं। क्या वादों से मिलेगा विजय पथ, ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है।